नमस्कार दोस्तों, पैन आधार लिंकिंग ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो किसी भी आयकरदाता को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस संदर्भ में रिसेंटली आपने देखा होगा कि अखबारों में भी भारत सरकार की ओर से ऐसे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे एडवर्टिजमेंट, ऐसे विज्ञापन पब्लिश हुए कि पैन आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है, कृपया करदाता ध्यान। तो पैन आधार लिंकिंग में एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है करदाताओं को कि क्या अनूप जी, मेरा पैन आधार लिंक्ड है नहीं है, मैं कैसे पता कर सकता हूँ? कहीं गलती से मेरे से चूक तो नहीं हो गई, मेरा पैन आधार लिंक तो नहीं है? तो इस वीडियो के थ्रू सर, मैं आपके समक्ष ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी क्या पैन आधार लिंकिंग प्रॉपरली डन है, नहीं है तो कैसे पैन आधार लिंकिंग की जा सकती है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे क्या पैन आधार लिंक करने पर फीस वगैरह देनी होगी या नहीं, ये सारे क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष मैं हाजिर हूं। दोस्तों, सीधे बात कर रहा हूं काम की कि अगर आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा पैन आधार लिंकिंग है या नहीं है, मेरे पैन से मेरा आधार लिंक्ड है या नहीं है, तो आप incometax.gov.in की साइट पर जाएं। जैसे ही ये साइट आपके सामने खुलेगी, होम टैबलेट के अंदर ही आपके पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, लिंक आधार स्टेटस एंड लिंक आधार। यहां तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या आधार पैन के साथ लिंक्ड है, और यहां आपको पता चलेगा कि अगर आपका पैन के साथ आधार लिंक नहीं है और आप उसे आज की डेट में लिंक करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए आपने लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक किया, यहां आपने अपना पैन इंसर्ट करना है, आपने अपना आधार नंबर डालना है और वैलिडेट पर जाना है। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अगर आपका पैन के साथ में आधार ऑलरेडी लिंक्ड होगा तो ये आप पहले से इंसर्ट कर चुके हैं अपना पैन और आधार, आपको मैसेज आ जाएगा योर पैन सो एंड सो इज ऑलरेडी लिंक्ड टू द गिवन आधार नंबर सो एंड सो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका आधार और पैन ऑलरेडी लिंक किया हुआ। अब कुछ लोगों ने मुझसे यह भी क्वेश्चन बोला कि रूप जी, ये आधार पैन की लिंकिंग पर भारत सरकार इतना फोकस कर क्यों रही है, इसका भी तो आंसर दें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर ये। इसका आंसर मैं इस प्रकार दे सकता हूं दोस्तों कि इन पास्ट चाहे डिपार्टमेंट की गलती से या किसी करदाता की मैनिपुलेशन की वजह से ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति के मल्टीपल पैन थे या एक पैन पर मल्टीपल लोग एज एन एसएससी रजिस्टर्ड थे। इस एनामली को, इस विसंगति को दूर करने का सबसे बढ़िया रास्ता यह था कि हमारे देश में, जहां तक मेरी समझ है, कि एक व्यक्ति का एक ही आधार हो सकता है, तो आपके आधार के साथ जैसे ही पैन को लिंक किया जाएगा तो अगर कोई और भी पैन है तो अपने आप डीएक्टिवेट हो जाए। ये एक बड़ा पर्पस सर इस आधार पैन की लिंकिंग से सॉल्व होता है। अब बात करता हूं दोस्तों कि मान लीजिए आपका पैन और आधार का जो स्टेटस आपने चेक किया यहां पर, वो पैन आधार लिंकिंग नहीं है, तो आपको किधर क्लिक करना है? आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करने जाएंगे तो आपको कुछ लिंक आधार में इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी जो बड़े काम की है, जिसे मैं आपके रेफरेंस के लिए यहां पढ़ता हूं। एज पर सीबीडीटी सर्कुलर नंबर सो एंड सो डेटेड 30th of March 2022, every person who has been allotted a PAN as on 1st day of July 2017 and is eligible to obtain Aadhaar number is required to link PAN with Aadhaar on or before 31st of March 2022. Taxpayers who fail to do so are liable to pay a fees of ₹500 till 30th of June 2022 and thereafter a fee of ₹1000. तो last date जो थी वो कितनी थी सर? एक तरीके से 31 मार्च 2022 वो तो निकल गई। उसके बाद अब अगर आप आधार पैन लिंकिंग करेंगे तो आपको ₹1000 आज की डेट में देना पड़ेगा ई पे टैक्स सर्विस में जा करके, और वहां पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको क्लिक करने पर उपलब्ध हो। इन केस द पेमेंट इज ऑलरेडी डन ऑन NSDL पोर्टल, प्लीज ट्राई लिंकिंग आफ्टर 4-5 वर्किंग डेज। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो 4-5 दिन वेट करिए, तब वो आपको लिंकिंग अलाउ करेंगे। And please make sure that fees payment is done under the minor head 500, other receipt 500 and major head 21 income tax other than companies in single चालान। ये भी भारत सरकार ने यहाँ आपको सूचित कर दिया कि आपको इस प्रकार से चालान पेमेंट करते समय इन हेड्स को सेलेक्ट करना है।
अब कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी ये होगी कि अनुप जी ये फीस के लेवी की बात कहां से आई, कि भारत सरकार ने ऐसी लेवी क्यों कर दी या कहां से ये लेवी जनरेट हुई। फीस फॉर डिफॉल्ट रिलेटिंग टू इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 234H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच सेज विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट इज आधार नंबर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 139AA। सेक्शन 139AA में दोस्तों ये कंडीशन लगाई गई कि आपका यदि पैन है तो आप आधार साथ में सूचित करें। तो जिस पर 139AA लागू हो गई एंड सच पर्सन फेल्स टू डू सो ऑन और बिफोर सच डेट एज मे बी प्रिस्क्राइब ही शेल बी लाइबल टू पे सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। दोस्तों इस विषय में एक रूल 114AAA लागू किया गया जिसके थ्रू ये फीस का क्वांटम ₹1,000 और 30 जून 2022 तक ये फीस 500 थी और उसके बाद आज की डेट में यह ₹1,000 की फीस इस सेक्शन की वजह से एप्लीकेबल है। तो जब आप आज की डेट में अपने पैन और आधार को लिंक करने जाएंगे तो मैंने माना कि आपने यहाँ पैन और यहाँ पर आधार और फिर डालने के बाद वैलिडेट का ऑप्शन दबाना है। उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है सर जो आपको पढ़ लेना चाहिए। फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। किन लोगों को आधार पैन लिंकिंग करना अनिवार्य नहीं है वो उससे एग्जम्प्टेड है। NRIs, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स एज ऑन डेट, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, इन जिन लोगों का स्टेट ऑफ रेजिडेंस आसाम है, मेघालय है या जम्मू कश्मीर है। ओके, और इस संदर्भ में डिटेल किसी को नोटिफिकेशन देखना हो तो ये सीबीडीटी का नोटिफिकेशन भी देखा जा सकता है। एक और जगह जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ साहब मेरा पैन और आधार प्रॉपरली लिंक्ड है या नहीं है, तो जैसे ही मान लीजिए मैंने अपना यहाँ पर लॉगिन किया तो मेरा नाम यहाँ लिखाया वेलकम बैक अनूप, यहाँ पर मेरा पैन लिखाया, ये देखिएगा सर ये जो क्रॉस करके और लास्ट में 5851 मान लीजिए फॉर टाइमिंग दिख रहा है, ये मेरे आधार के लास्ट 4 डिजिट हैं यदि मैं ऐसा कहूँ तो आई कैन वेरीफाई कि ओके मेरे पर्टिकुलर पैन के साथ में मेरा आधार ऑलरेडी लिंक्ड है। दोस्तों एक क्विक नजरिया आपको सेक्शन 139AA का भी देता हूं जहां पर ये बात मैंडेटरी की गई कि कोट करना है आपको आधार को अपने पैन के साथ में। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर शेल ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017 कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप पैन के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे वहां भी आधार देना है और आपको अपनी रिटर्न में भी आधार देना है, और जहां पर किसी व्यक्ति का अभी आधार अलॉट नहीं हुआ हो तो वो अपना एनरोलमेंट आईडी भी कोट कर सकते हैं। एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017 एंड हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार शेल इंटीमेट इज आधार टू सच अथॉरिटी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। एंड इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट आधार नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉटेड टू द पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल अप्लाई एज इफ द पर्सन हैज नॉट अप्लाइड फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो करदाताओं को परेशान कर सकती है कि भारत सरकार ने लिखित में यह बात 139AA में की है कि यदि आपने अपना आधार इंटीमेट नहीं किया पैन के साथ, उसकी लिंकिंग नहीं कराई, तो आपके पैन को वो इनवैलिड करार कर सकते हैं। रूल 114AA जिसकी मैंने अभी चर्चा करी थी कि आपके पैन को इनऑपरेटिव कैसे किया जा सकता है, ये बात इस रूल में लिखी है कि वेयर अ पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017 एंड इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट इज आधार नंबर अंडर 139AA सेक्शन हैज फेल्ड टू इंटीमेट द सेम ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ मार्च 2022 द पैन ऑफ सच पर्सन शेल बिकम इनऑपरेटिव। तो ये रूल तो ये कह रहा है सर कि प्राइमा फेसा आपका पैन इनऑपरेटिव होगा, यानी मेरी दो समझ है कि एक पैन का इनऑपरेटिव होना और एक इनवैलिड होना। आज की डेट में पैन का इनवैलिडिटी अभी पूर्णतया लागू नहीं है, इनऑपरेटिवनेस जरूर लागू हो रहा है। वेयर अ पर्सन हुज पैन हैज बिकम इनऑपरेटिव अंडर सब रूल 1 इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंटीमेट और कोट इज पैन नंबर इट शेल बी डीम्ड दैट ही हैज नॉट फर्निश्ड इंटीमेटेड कोटेड पैन। तो अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया सर तो आप उस पैन को कोट नहीं कर पाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस में, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजंस ऑफ दिस सब रूल शेल हैव इफेक्ट एज इफ फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड, ठीक है, एंड वेयर द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 हैज इंटीमेटेड द आधार ऑन और आफ्टर 31st डे ऑफ मार्च 2022 आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 5A ऑफ रूल 114 हिज पैन शेल बिकम ऑपरेटिव। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी का पैन इनऑपरेटिव हो गया और बाद में वो फीस का पेमेंट करके आते हैं तो देन इन दैट केस उनका पैन
और जो इनऑपरेटिव हुआ था वो वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था इस रूल से निकल के आती है। अंत में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 7/2022 से ला रहा हूं, जिसमें सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से ये कहा गया, फर्दर रूल 114AAA ऑफ इनकम टैक्स रूल प्रोवाइड्स दैट इफ पैन ऑफ अ पर्सन हैज बिकम इनऑपरेटिव ही विल नॉट बी एबल टू फर्निश इंटीमेट कोर्ट इज पैन एंड शेल बी लाइबल टू ऑल सच कॉन्सिक्वेंसेज अंडर दिस एक्ट फॉर सच फेलियर एंड दिस विल हैव अ नंबर ऑफ इम्प्लीकेशन सच एज पर्सन शेल नॉट बी लाइबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पैन, पेंडिंग रिटर्न विल नॉट बी प्रोसेस, पेंडिंग रिफंड कैन नॉट बी इशूड, पेंडिंग प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड एंड टैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द हायर रेट एज द पैन बिकम्स इनऑपरेटिव। तो ये सर्कुलर का जो इम्पैक्ट है बड़ा खतरनाक है सर, इसलिए पैन की आधार के साथ लिंकिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जहां तक मेरी समझ है कि एक सामान्य करदाता ने अब तक अपने आधार और पैन की लिंकिंग ऑलरेडी करा ली है, लेकिन यदि ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों तक भी पहुंचती है जो पैनधारी तो हैं, यानी जिनके पास पैन तो है लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पैन और आधार की लिंकिंग नहीं कराई, सर बहुत संभव है कि उनका पैन इनऑपरेटिव हो गया, और पैन इनऑपरेटिव होना एक अच्छा लक्षण नहीं है, और इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं ये सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि वे लोग इस वीडियो का फायदा उठाएं जो ये चेक करना चाहे कि क्या मेरा पैन आधार लिंक है, और वे जिन्होंने अभी तक लिंकिंग नहीं करी वो भी लिंक करके अपने पैन को ऑपरेटिव बनाए रखने के लिए आगे बढ़े। सो आई होप यू मस्ट हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।